जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। आज श्री रामचरितमानस का तृतीय सोपान अरण्यकांड शुरू होने जा रहा है, तो आइए शुरू करते हैं। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुरवासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का थाप आना चाहती हो। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काक भुशुंड जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश ध्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा? चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भारी भीड़ हो जाएगी, इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया।
अत्री जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डहा रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करता है, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगतगुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं, तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्री जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराए पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में
और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराए पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं आप ही कहिए, ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन से तप जप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, इसमें न धर्म है न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराद राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। आज बस इतना ही पाठ, आइए थोड़ा नाम जप करते हैं। राम 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 राम। जय श्री राम।